गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड टर्म पढ़ा, आज हम उसका थर्ड टर्म पढ़ेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने पत्र को बंद किया और ध्यानपूर्वक उसे लिफाफे में वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, सुबह उठते ही मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिटपोर्ट पहुंचा जो कि कुछ मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के से जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बॉर्डेड अप। मकान नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ खोखा, टूटी हुई छत, लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई खिड़कियाँ थीं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफर्सन, मैंने साथ वाले घर को खटखटाया और मिसेज मैकफर्सन के अते पते के बारे में पूछा। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, हाँ, चप्पल पहने बूढ़े ने कहा, वह भली भांति जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी वॉज नॉट सी, उसने बताया कि वह एक प्यारी बूढ़ी औरत हैं, थोड़ी सनकी दिमाग की हैं परंतु उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। 101 years old, वह 101 वर्ष की हैं। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर में आग लगी वह उसमें ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी परंतु वह जरूर मोमबत्तियों से ही लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वह बिजली की बजाय मोमबत्तियाँ इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी होती है। The fireman had got her out just in time. आग कर्मचारी ने उन्हें सही समय पर निकाल लिया। She was in a nursing home. Now he told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. वह इस समय एक नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस में डोरचेस्टर रोड इस कस्बे के दूसरी ओर पर था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली एनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप, हॉल के रास्ते में कागज की चेन बनी थी और एक कोने में क्रिसमस ट्री लगा हुआ था जिस पर एक फरिश्ते की टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। I said I was a friend come to visit Mrs. MacPherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं Mrs. MacPherson का दोस्त हूँ और क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं शीशे में से भोजन कक्ष में देख सकता था, वहाँ सभी ने कागज के बने हुए हैट पहन रखे थे और गाने गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. मैट्रन ने भी एक हैट पहन रखा था और मुझे देखकर बहुत खुश प्रतीत हो रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उसने मुझे केक का टुकड़ा भी खाने को दिया। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ साथ बरामदे तक आई। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, मिसेस मैकफर्सन दूसरों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, उसने मुझे बताया। सी इज रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट If she had a good rest, वह बल्कि आज कुछ असमंजस में थी इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आराम करना चाहिए। She has no family, you know, no one visits. तुम्हें पता है उनका कोई परिवार नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने जुलने वाला आता है। So I'm sure she will be only too pleased to see you. तो इसलिए मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वह मुझे एक सकरे सुरक्षित रास्ते में से ले गई जहाँ केन की कुर्सियाँ और गमले में लगे पौधे चारों ओर रखे थे और चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. बूढ़ी औरत अपने हाथ गोद में रखे व्हीलचेयर पर बैठी थी। She had silver white hair pinned into a wispy bun. उसके सफ़ेद चांदी समान बाल ढीले से जुड़े में बंधे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बागीचे की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड, सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन,
आई फाउंड दिस इज आई थिंक इट्स योर्स। हेलो, मैंने कहा। वह मुड़ी और खालीपन से मेरी ओर देखने लगी। क्रिसमस मुबारक हो कॉनी, मुझे यह मिला है, मुझे लगता है यह तुम्हारा है, मैंने कहा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था उसकी नज़रें एक क्षण के लिए भी मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टीन का डब्बा खोला और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो क्षण था जब उसकी आंखें उसे पहचान कर चमक उठी और उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उन्हें मेज के बारे में बताया कि कैसे मुझे वह मिली थी, परंतु मुझे नहीं लगता वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उस पत्र को अपनी उंगलियों से छूती रहीं। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से वह बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे प्रिय। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम आ गए, यह संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा है। कम क्लोजर जिम डियर, सेट डाउन। पास में आओ प्यारे जिम, यहाँ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर चुम्मी ली। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। मैं तुम्हारा पत्र हर रोज कई बार पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं अपने सिर में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी एंड नाउ यू आर। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ थे और तुम यहाँ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे मेरे लिए खुद ही पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। प्यारे जिम, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे यह बहुत पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मैजिपन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों ओर मार्जिपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है।